अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, हमारा लैंड सर्वेइंग का चैनल है। लैंड सर्वे चैनल में हम आपको सिखाते हैं ऑटो कैड, ऑटो कैड सिविल 3D और लैंड सर्वेइंग के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल 3D में है। सिविल 3D में जो हम प्रीवियस 3 पार्ट करते हुए आए हैं, अब 4 पार्ट हम शुरू करेंगे। सिविल 3D मैट्रिक्स सिस्टम ओपन कर लेते हैं अपना। सिविल 3D मैट्रिक्स सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके पास जब ओपन होता है तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। जैसे कि आपको बताया है, अगर आपका हिस्ट्री के ऊपर का आपका अगर प्रोजेक्ट नहीं आ रहा तो आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट ड्राइंग करेंगे, लेकिन हमारा हिस्ट्री में आ रहा है तो हम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखने वालों को ये बताते चलें कि हमारा लैंड सर्वेइंग का चैनल है। लैंड सर्वे चैनल में हम प्रीवियस 3 पार्ट जो है इस सर्वे के करते हुए आए हैं। जो न्यू यूज़र हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं इस चैनल पे देखने के लिए ये वाला वीडियो, वो 3 पार्ट और देख लें। 3 पार्ट प्रीवियसली हम बना के उसको अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम जो है अपना प्रोफाइल का काम करेंगे। रोड की सेंटर लाइन लगाएंगे, जो आज का टॉपिक ये होगा। आज जो है हम रोड की सेंटर लाइन लगाएंगे, रोड की सेंटर लाइन विथ चैनेज, जिसमें ज्योमेट्री भी होती है। तो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि सेंटर लाइन लगाएंगे, उसमें ज्योमेट्री के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसका प्रोफाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरीके का आपके पास जो जो ये काम कर रहे हैं उनके पास इस तरीके का प्रोजेक्ट सामने आ जाएगा। जो प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं, आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट पेन का आपके पास टूल स्पेस आ जाएगा। टूल स्पेस में मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपने सर्वे फाइल डेटाबेस पे जो है क्योंकि ये सर्वे डेटाबेस है, ये सर्वे फाइल है, इसमें ये आपका सारा सर्वे का डेटा है। ओपन फॉर एडिट करेंगे। ओपन फॉर एडिट में देखेंगे यहाँ पे ये आपका जो है सर्वे का डेटा यहाँ पर आ रहा है। जब प्रोस्पेक्टर में जाएंगे तो यहाँ से हम लोगों ने सर्व पॉइंट ग्रुप बनाए थे। ये पॉइंट ग्रुप के जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप्स हैं आपके, आपको पता ही है, ठीक है। तो पॉइंट ग्रुप्स को भी जो है आप री अपडेट कर सकते हैं या रिफ्रेश कर सकते हैं, जो करना चाहें। इसके नीचे जो है आप सरफेस का देख सकते हैं, यहाँ पे आपने सरफेस बना लिया, ठीक है। ये सरफेस बना लिया आपने, सरफेस को भी रीबिल्ड कर दिया हमने, और यहाँ से जो है हम ऑटोमेटिकली इसकी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टर के टैब में सरफेस में जो है आपका ये जो है कंटूर वाला सरफेस बनाया, जिसे कंटूरिंग हमने की है, ठीक है। आप एक दफा रिव्यू कर लें प्रोजेक्ट को, यहाँ से देखें ये कंटूरिंग भी हुई हुई है इसकी, और हमने सरफेस में इसकी कंटूरिंग करी थी। अब क्या करते हैं, आप सेंटर लाइन लगाते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते इसमें सेंटर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रायंगल जो है वो डिलीट होने डिलीट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था पिछली वीडियो में, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिलीट और जो है प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, इसको वैसे ही रखा हुआ है मैंने डेटा जैसे हमने छोड़ा था। अब हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन लगाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, सेंटर लाइन लगाऊंगा विथ चैनेज, जो ज्योमेट्री के मतलब आप उसको ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अलाइनमेंट, ये देखें अलाइनमेंट, और यहाँ से अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, ये भी यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ से ये देखें टूल स्पेस में अलाइनमेंट का जो ये आपको दिख रहा होगा प्लस का निशान, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आप न्यू करके अलाइनमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अलाइनमेंट में आएंगे, क्रिएट अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स में आएंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट का नाम दे देंगे। सबसे पहले आप दे दें यहाँ पे alignment-1 दे दें आप इसको, ठीक है, alignment-1, सेंटर लाइन लिख दिया इस पे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ आएगा आप एग्जिस्टिंग करें, क्योंकि अभी हम इस ग्राउंड के कंटूर के ऊपर जो है ना ये प्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए एग्जिस्टिंग लिखेंगे यहाँ पर। प्रपोज्ड वो होता है जो डिज़ाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कर लेंगे, एग्जिस्टिंग कर लेंगे इधर, ठीक है। साइट में नन रहने दें इधर, अभी ना करें कुछ, अलाइनमेंट में 1 कर दें। यहाँ पे स्टेशनिंग देख लें आप, 0 से शुरू हो रही है। आप शायद यहाँ से जो है इसको अपनी मर्जी से भी बढ़ा सकते हैं 100 से, या जो भी आपकी चैनेज शुरू होती है, लेकिन हम जो है 0 से करेंगे अभी, ठीक है ना। इसकी ये जो नीचे जो है ये लेयर है सी रोड, क्योंकि ऑटो कैड सिविल 3D में डिफॉल्ट जो है वो लेयर्स हैं, तो इसी वजह से जब भी ये हम लोग अलाइनमेंट या प्रोफाइल का काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है अपनी लेयर खुद
यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए हम लेयर कोई भी नहीं बनाते सिविल 3D में, डिजाइनिंग में जो है वो खुद ही लेयर पिक कर लेता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कमांड दिया हुआ होता है। इसमें जो है यहाँ पे आप लेबल देखें, लेबल ये होता है कि आपको किस किस चीज़ की ज्योमेट्री के ऊपर ज़रूरत है, वो वहाँ पर टैक्स यानी डिस्टेंस, चैनेज या आपको जो भी बेयरिंग वगैरह चाहिए और स्पीड वगैरह जो है उसकी प्रोफाइल की, वो भी इस पे आती है। यहाँ से क्लिक करें, आप इसको लिख दें कि मुझे चाहिए मेजर आल लेबल्स कर दें अभी, ठीक है ना। अभी देखते हैं आल लेबल्स में क्या होता है, आप इसको ओके कर दें, ठीक है। खाली हमने यही सेटिंग करी है, अभी इसका प्रोफाइल का नाम दिया है, चैनेज जीरो से स्टार्ट करनी है और एग्जिस्टिंग हमारी अलाइनमेंट है। अब यहाँ से जब ये अलाइनमेंट लेआउट टूल्स का जो है ये आपका विंडो ओपन हो जाएगा, तो आप इसको साइड पे यूं कर लें स्क्रीन पर या यहाँ कर लें आप नीचे, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये इससे क्लिक माउस से जो है ना वो क्लिक ड्रैग होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ना आप, ये देखें फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ, यहाँ से जो है सेंटर लाइन जो है हमारी ड्रॉ होगी, जैसे कि पॉली लाइन ड्रॉ करते हैं इसी तरह ये सेंटर लाइन हमारी यहाँ से। इसके कर्सर में जाएंगे, ये जो यहाँ पे जो है आपको ये आइकन दिया हुआ है इसके, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर ले लेना है टेंजेंट, टेंजेंट विथ कर्व। कर्व इसलिए दे रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको हम लोग ने सेगमेंट में नहीं देना, उसमें कर्व जरूर डालेंगे हम लोग ना, ठीक है, क्योंकि रोड का काम है उसमें कर्व होना चाहिए। अच्छा दोनों में अगर ये आप देखना चाहते हैं कि ये फंक्शंस की वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारा बेसिक सिविल 3D का जो है वो पूरा एक लेसन जो है, पूरी एक वीडियो जो है बेसिक ऑप्शंस के बारे में बताई गई है, वो भी हमारे चैनल में हैगी, कि आपको ये एक एक ऑप्शंस उसमें बताया गया है कि ये ऑप्शंस क्या काम करते हैं, ठीक है। अभी तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में हम लोग ले लेते हैं ये टेंजेंट, टेंजेंट विद कर्व। यहाँ से लेने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन पे आ जाना है, जैसे एक लाइन बनाते हैं वो वाला आपका जो है शेप बन जाएगा, और आपने क्या करना है यहाँ से स्टार्ट लेना है, ये जो कंटूर का जो आपके पास ये एक पॉइंट है ना यहाँ पर ऐसे, ये ट्रैक से मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से रोड इसमें मिल जाएगा, तो आप यहां से इसका जो है क्लिक कर लें और आप यहां से फिर ये ऊपर जाएं, जैसे एक हम लाइन लगाते हैं ना वैसे ही आप कंटूर के ऊपर एक लाइन लगाते जाएं, वो भी सेंटर में, जैसे जैसे जहां जहां सर्वे है उसके सेंटर में, ठीक है। पहला क्लिक कर दिया, दूसरा क्लिक यहां कर देते हैं, ठीक है, दूसरा क्लिक कर दिया, ये देखें आपको टर्निंग भी बता रहा है, क्योंकि ये एक रेडियस जो है ना ये इसमें दला हुआ है, उस रेडियस पे ये घुमा रहा है। मैं आपको आगे चल के और बताता हूँ, ये देखें एक यहाँ पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आने के बाद आपने जाना है यहाँ ऊपर चले जाए यहाँ पर, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर आना है, यहाँ से यहाँ आना है, देखें यहाँ पे सेंटर लाइन लगती जा रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ आना है, फिर आपने इस रोड में मिला देना है, ठीक है ना, ये वाले रोड में इसमें मिला देना है, ये जो हमारे पास पिछला रोड है यहाँ, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जब आपने वो आखिरी सेगमेंट क्लिक करा तो फिर आपने जो है ना इंटर का दबा देना है, जहाँ पे ख़त्म करनी है इंटर का दबा देना है। अब ये देखें ये ख़त्म हो गई, ठीक है, मैं कुछ लेयर ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको जो है सेंटर लाइन आसानी से दिखे। आपने ले कंटूर ऑफ करने के लिए आना पड़ेगा राइट क्लिक करके एडिट सरफेस स्टाइल, इसमें देखें यहाँ पर डिस्प्ले में ये ऊपर टैब हैंगे, डिस्प्ले में आपने जो है ना ये कंटूर ऑफ कर देना है अभी फिलहाल, अप्लाई ओके, ठीक है। अब जो है अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है एक आपको सेंटर लाइन नज़र आ रही होगी, ये जो सेंटर लाइन है ये पूरे प्रोजेक्ट पर मैंने सेंटर लाइन लगा दी, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करी है और ये यहाँ पर जाके ये पूरी सेंटर लाइन आपको नज़र आ रही होगी रेड कलर की, वो सर्वे कंटूर के ऊपर हमने जनरेट कर दी। अभी मैं इसको फोकस करके भी दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेयर भी ऑफ कर देते हैं, LAYOFF की कमांड लगा के इनको भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखें आप, आपको यहाँ पर ये चैनेज दिख रही है 1+500 और ये इसकी सेंटर लाइन है, ठीक है, ये देखें सेंटर लाइन पूरी हमारी लग गई।
इस तरीके से जो है आपने प्रोजेक्ट की सेंटर लाइन लगानी है, ठीक है, सेंटर लाइन लगानी है। और आपने अगर इसकी ज्योमेट्री देखनी है कि ये सेंटर लाइन लगी है, इसका रेडियस क्या है, और मतलब रेडियस चेंज भी कर सकते हैं इसका। अब आप इसको ऐसे क्लिक करके भी जो है ना, ये आप इसको उठा के चेंज कर सकते हैं। खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी। इसमें कोई आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेंटर लाइन लगी हुई है। अब आपने अगर देखना है इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में अब आप यहाँ पे अलाइनमेंट लेआउट टूल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर ये एडिट में आ जाएंगे इसकी, ठीक है। ये ज्योमेट्री है। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, अब दिखाता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है अलाइनमेंट ग्रिड व्यू। इस पर क्लिक करेंगे आप, इसका एक विंडो खुल जाएगा। ये देखें यहाँ पे विंडो खुला। विंडो खुलने के बाद आप ये देख सकते हैं इसकी ये रेडियस जो है ना, रेडियस वो सब 200 है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसने बताया है कि आपका जो रेडियस है वो 49.90 है, क्योंकि यहाँ पे इतना छोटा, अब ये कैसे देखेंगे आप, इतना छोटी जगह थी कि वो रेडियस 200 का ले नहीं सकता था। वो जगह है आई थिंक यहाँ पर कहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वो जगह है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है, ये वाली वो जगह है आई थिंक। अब मैं इसको एस्केप करता हूँ, इसके पैनोरामा खोलता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये चेंजिंग कर सकते हैं, ये खुल गया, ठीक है। और यहाँ पर आप रेडियस और आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे ताले के ऊपर, लॉक के ऊपर, और यहाँ से आप ये रेडियस को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे ये लिखा हुआ है ना आपका लाइन कर्व, लाइन कर्व, जो कर्व आ रहे हैं वो, यानी कि जो है ना वो इस ज्योमेट्री में आपको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो मैंने आज का जो लेसन जो बनाया है वो खाली ज्योमेट्री का बनाया है कि आप सेंटर लाइन कैसे लगाएंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ये देखें सेंटर लाइन लग गई है और इसमें चेनेज भी लग गई है। ये देखें, ये 20, 0+, 0.20 और फिर 30। फिर अगर आप इस तरह लगाएंगे तो अपने आप अपने पास प्रैक्टिस करें और ये आपको इस तरह सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सेंटर लाइन वाला जो आज का लेसन है वो आपको समझ आया होगा। मैं इसीलिए आज इतना कम बताया है क्योंकि अब जो वीडियो शुरू हो रही हैं वो टेक्निकल हैं। टेक्निकल में आपको थोड़ा थोड़ा करके मतलब समझना पड़ेगा ताकि आप इसको अचीव कर सकें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सेंटर लाइन ड्रॉ कर लें अपने प्रोजेक्ट पे। इंशाल्लाह पार्ट 5 में हम जो है इसका प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।